नमस्कार दोस्तों, ये एक सिंपल सा रजिस्टर है। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लगभग 50 पैसा या फिर 1 रुपये में मिल जाएगा। तो इस रजिस्टर को ही इस्तेमाल करके ये जो हमारा एलईडी बल्ब होता है इनको कैसे ठीक करना है ये मैंने इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये एलईडी बल्ब सूर्या कंपनी का है और 9 वाट का है। आपके पास में कोई भी एलईडी बल्ब हो, अगर उसका एमसीपीसी में से कोई भी एक एसएमडी एलईडी ख़राब हुआ है तो आप वहाँ पर ये रजिस्टर को लगा करके उसको ठीक कर सकते हो। देखिए, ये रजिस्टर का वैल्यू मैंने इस वीडियो में बताऊंगा, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो ये जो एलईडी बल्ब है, यहाँ पर ये जो पैनल दिखाई दे रहा है एलईडी का, इसको एमसीपीसी भी बोला जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे एसएमडी एलईडी हैं। ये जो छोटे छोटे एलईडी आप लोग देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक एलईडी ख़राब हो जाने से हमारा एलईडी बल्ब इस प्रकार का प्रॉब्लम दिखाता है। मैं आपको चेक करके दिखा रहता हूँ। ये देख सकते हैं, इस प्रकार से धीमे से जलता है और ब्लिंकिंग करता है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एसएमडी एलईडी ख़राब हुआ है, तो उसके लिए इस प्रकार से चिमटा लीजिए, उसके ऊपर में रबर का कवर होना चाहिए। अगर कवर नहीं है तो आप उसके ऊपर में इंसुलेशन टेप लगा करके इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, चिमटा के माध्यम से हमारा जो छोटा छोटा एलईडी है उनको शॉर्ट करना है। तो जिस भी छोटा एलईडी को शॉर्ट करने के बाद हमारा पूरा का पूरा एलईडी जलेगा, वो छोटा सा एलईडी ख़राब है, इसे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला छोटा सा एलईडी को शॉर्ट करने से हमारा पूरा का पूरा एलईडी जल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एलईडी ख़राब है। तो इसको मार्किंग कर लेना है और इसके बाद में ये होल्डर से निकाल लेना है और ये जो छोटा सा एलईडी है इसको कुछ इस तरीके से उखाड़ लेना है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको उखाड़ लिया हूँ। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है इस प्रकार से, ये देख सकते हैं। और इसके बाद में आप देख सकते हैं, इसके नीचे में दो भाग नज़र आएगा, एक छोटा सा और एक बड़ा सा। जो बड़ा वाला भाग होता है वो नेगेटिव होता है और जो छोटा वाला भाग होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इन दोनों भाग के साथ में ये जो हमारा रजिस्टर है, इसका जो दोनों लेग है, इसको हमें इस प्रकार से सोल्डरिंग करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो ये रजिस्टर का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा एक 40 ओम का रजिस्टर है और 1 वाट है। तो आप कोई भी 40 ओम का और 1 वाट का रजिस्टर को ले सकते हो, या फिर आप 20 ओम 1 वाट का ले सकते हो, 10 ओम 1 वाट का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 से लेकर 40 या 50 ओम के बीच में 1 वाट का कोई भी रजिस्टर को लगा सकते हो और ये रजिस्टर में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। तो आप उल्टा सीधा जैसे भी यहाँ पर सोल्डरिंग कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर को अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया हूँ, जैसे आपको बताया था। तो चलिए, अब हम इसको होल्डर में लगा के चेक करके देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये एलईडी बल्ब हमारा काफ़ी अच्छे से जल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं, तो सिर्फ 1 रुपये में ये एलईडी बल्ब हमारा रिपेयर हो चुका है। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर 50 पैसे में भी मिल जाता है, कहीं कहीं 1 रुपये में भी मिल जाता है। तो एवरेज मान के चलिए कि ये रजिस्टर आपको 1 रुपये में मिला और आप 1 रुपये से आपका एलईडी बल्ब को ठीक कर चुके हो। और इस तरीके से एलईडी बल्ब को ठीक करने से ये एलईडी बल्ब हमारा आराम से 2-3 महीना या फिर 4 महीना निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।